देवभूमि हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अब सड़क निर्माण में गर्म नहीं ठंडे कोल तार का प्रयोग किया जाएगा। कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कें इसी तकनीक से बनाई जाएंगी। प्रारंभिक तौर पर इस तकनीक से होने वाली सड़क निर्माण के कार्यों को जांचा जाएगा। तकनीक के सफल होने के बाद इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिससे पहाड़ी इलाकों में पड़ने वाली ठंड के दौरान भी सड़क निर्माण कार्य को जारी रखा जा सकेगा। जानकारी के अनुसार सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI ने ग्रीन रोड रिविजन के तहत सड़कों के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी से MOU साइन किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कों में से 15 से 20 फीसदी कार्य कोल्ड मिक्स तकनीक के तहत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बारे में जब लोक निर्माण विभाग उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के मुख्य अभियंता SK गंजू से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि केंद्र के ग्रीन रोड मिशन के तहत अब कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी के तहत सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसमें अब सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री को गर्म करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्कशॉप में विभाग के जूनियर इंजीनियर तथा लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने भी इस नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की है, ताकि भविष्य में इसका लाभ मिल सके। ये जो आज की वर्कशॉप थी, इसमें हमने कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी पे ये वर्कशॉप थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जितनी भी सड़कें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें स्वीकृत की हैं, उसमें से मिनिस्ट्री ने हमें टारगेट दिए हैं कि इनमें लगभग 15% के करीब सड़कें जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी के तहत बनानी है, जिसमें कि ये कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का भी काम आता है। तो इसके तहत ही आज वर्कशॉप हमने बिटकैम जो एक कंपनी है वो बनाती है, और इनका एक MOU हमारे जो नेशनल रूरल रोड एजेंसी है NRDA और जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके साथ हुआ है, उसी के तहत ये लोग यहां आए थे, जिसमें कि हमने सभी अपने JEs, STOs, XCNs, SC और जो संबंधित कंट्रेक्टर हैं उनको बुलाया था, ताकि वो इस बारे में जान सके। CRRI के दो साइंटिस्ट भी हमने आज इस वर्कशॉप में बुलाए थे, जो कि जिन्होंने कि इस पे काम किया है, ताकि ये अपने जो भी अनुभव हैं वो सबसे साझा कर सकें।